हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों देखिए, यदि आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं और यूट्यूब चैनल चलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत आप यूट्यूब पर कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना करके आप अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आज के इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो से ज़्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो आप अर्निंग करते हो अपनी वीडियो से, आप उससे भी ज़्यादा अर्निंग कैसे करेंगे, वो ट्रिक आज आपको बताऊंगा। दोस्तों 100% करेक्ट, एकदम जेन्युइन ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा, इसमें कोई भी फेक नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर जो भी कंटेंट बना करके देता हूँ कोई भी फेक नहीं देता हूँ, और उस ट्रिक को मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बिल्कुल लाइव करके भी दिखाऊंगा, आप वहां से समझ जाओगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है, तभी आप समझ पाओगे। सबसे पहले मैं छोटी छोटी दो बातें आपको समझा दूं यहाँ पर। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि आप YouTube से जो भी अर्निंग करते हो, आपकी वीडियो पे कोई भी अर्निंग नहीं होती है, वो भले ही एक अलग बात है कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए या फिर आप सुपर चैट के जरिए कमाई कर लो, ठीक है। लेकिन आप YouTube पर जो वीडियो अपलोड करते हो, आपको वीडियो कोई भी पैसा नहीं मिलता है, आपकी वीडियो पर जो एड वगैरह आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं, आपको उनका पैसा मिलता है, ठीक है, पहली बात तो ये। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए जो आपने वीडियो अपना अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर, और आपका वीडियो जितना भी ज़्यादा चलेगा, जितने ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, जितने ज़्यादा एडवर्टीजमेंट आपकी वीडियो पर आएंगे, उतनी ज़्यादा अर्निंग आप कर पाओगे, ठीक है दोस्तों, ये तो आप जान चुके होंगे। अब यहाँ पर सेकंड नंबर बात आपको बता दूं, देखिए जैसा कि पहले आपको पता था कि यूट्यूब पर जो भी 10 मिनट का वीडियो था, 10 मिनट से प्लस का या फिर 10 मिनट का, लेकिन उससे एक भी सेकंड कम का नहीं, तो उसमें मिडरोल एड लगा लिया करते थे, यानी बीच बीच में अपनी इच्छा अनुसार यूट्यूबर मिडरोल एड लगा दिया करते थे। अभी कुछ ही समय पहले यूट्यूब ने एक अपडेट दिया है, जो कि सभी यूट्यूबर भाई के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अपडेट था। जो मिडरोल एड लगाने वाले समय 10 मिनट था, उसे घटा करके 8 मिनट कर दिया है। अब आप 8 मिनट के वीडियो में भी मिडरोल एड लगा करके ज्यादा कमाई कर सकते हो। अब यहाँ पर मिडरोल एड है क्या, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। देखिए जो भी आपका छोटा वीडियो होता है, यूट्यूब अपनी मर्जी से उस पर एड देता है, या तो वीडियो के स्टार्टिंग में दे दे, वीडियो के बीच में दे दे, या फिर वीडियो के लास्ट में दे दे, अपनी मर्जी से एक एड भी दे सकता है, दो एड भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन मिडरोल एड जो होते हैं, उन्हें आप यदि आपने 8 मिनट का वीडियो बनाया है या फिर 8 मिनट से बड़ा बनाया है, और 8 मिनट से 1 सेकंड भी कम नहीं होना चाहिए, या तो 8 मिनट का हो प्रॉपर या फिर 8 मिनट से ज्यादा का हो, तो आप क्या है उसमें YouTube तो अपनी मर्जी से ऑप्शन दे देता है, उसे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। वहाँ पर जब आप वीडियो अपलोड करोगे और अपने ऐड मैनेज करोगे, तो वहाँ पर वीडियो के शुरू, लास्ट और बीच में आने वाले ऐड के लिए तो ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उन तीनों को सिलेक्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। वो तो YouTube अपनी मर्जी से ऐड दिखाएगा। लेकिन अब रहा वीडियो का और ज़्यादा बीच बीच में, आपको मान लीजिएगा 8-10 मिनट का आपका वीडियो, आप हर 2 मिनट पर ऐड दिखाना चाहते हैं, तो वो एड ब्रेक आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, और जितने एड ब्रेक आपके वीडियो पर ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा चलेंगे, उतनी ज़्यादा अर्निंग आपकी होगी। तो आप एड ब्रेक लगा करके ही अपनी वीडियो पर ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अब मुझे इस वीडियो में जो बताना है, तो वो बताना है कि आप अपनी वीडियो में एक्स्ट्रा एड यानी एड ब्रेक किस तरह से लगाओगे, वो मैं आप इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो का अंत तक देखते रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और आपके मोबाइल के होम स्क्रीन में लेकर चलता हूँ, वहीं से आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी वीडियो में एड ब्रेक लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं अपने मोबाइल को होम स्क्रीन में आ चुका हूं, और यहां पर आप देखिए जैसे आप अपना वीडियो अपलोड करते हैं, या तो लैपटॉप से या फिर पीसी से, और यदि आप मोबाइल से करते हैं, तो आपको क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करके और डेस्कटॉप साइड मोड इनेबल करके ये वीडियो अपलोड करना होगा, तब आपको इस तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, जैसे आपकी वीडियो में अपलोडिंग चल जाएगी, तो ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर की साइड में आप देखेंगे जो मैंने रेड किए हुए हैं, ये इसके अंदर जो ऑप्शन है ये वीडियो से रिलेटेड ही होते हैं, जैसे कि वीडियो की डिटेल वगैरह भरना। फिर सेकंड ऑप्शन आपको मोनेटाइजेशन का मिल जाएगा, यदि आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको वीडियो एलिमेंट का, चेक्स का, विजिबिलिटी का या एड सुटेबिलिटी का, ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर अपना ऐड कैसे लगाओगे, जो आपको मिडरोल ऐड लगाने हैं, ऐड ब्रेक कैसे लगाओगे, तो आपको जब आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए जहाँ पर मैंने एरो लगा रखा है, आपको मोनेटाइजेशन लिखा मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो के मोनेटाइजेशन को ऑफ और ऑन करने का। तो आपको पहले उस वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर लेना है, जैसे आप ऑन करेंगे फिर से आपको ऐसा ही पेज दिख जाएगा ऑटोमेटिक, तो फिर से आपको दोबारा से फिर मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नए ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन जो मैंने रेड किए हुए हैं, इसके अंदर जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा बिफोर, कुछ ऐसा लिखा मिल जाएगा, तो आपको इस चेकबॉक्स में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से सेकंड ऑप्शन चेकबॉक्स के लिए आएगा, उस पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए एक लिखा मिल जाएगा मैनेज मिड रोल्स, जो कि ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको बता दूँ, ये आपको मैनेज मिड रोल्स कब लिखा मिलेगा ब्लू कलर में, जब आपका वीडियो 8 मिनट का पूरे का या फिर 8 मिनट से ज़्यादा का होगा, तभी आपको ब्लू कलर में लिखा मिलेगा, वरना ये ब्लैक में रहेगा और वर्क नहीं करेगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपका वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा का है, तो यहाँ पर ये ब्लू मिलेगा। उसके नीचे आप एक ऑप्शन देखेंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेकबॉक्स वाला, आपको इसमें भी चेकबॉक्स में टिक कर देना है दोस्तों। ये तीनों ऑप्शन वो हैं जो यूट्यूब आपके वीडियो में तो पहले ऐड दिखाएगा, लास्ट में भी दिखाएगा, और एक बीच में भी दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको उससे अलग
अलग अलग जगह पर ऐड सेट करने हैं। मान लीजिएगा आपका 10 मिनट का वीडियो है, तो आप यहाँ पर जो लिखा हुआ मिल जाएगा ब्लू कलर में मैनेज मिड रोल्स, तो आपको इस ब्लू कलर वाले पर क्लिक कर देना है जहाँ पर मैंने एरो लगा रखा है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा समझना है, ये जो मैंने रेड किया हुआ है ये आपके वीडियो का ड्यूरेशन है, यानी आपके वीडियो की इतनी लंबाई है, इतने समय का आपका वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इस रेड के अंदर अंदर ये है आपका टोटल वीडियो। अब आपको इसी ग्राफ के अंदर अंदर अपने ऐड सेट करने हैं। मान लीजिएगा आपका वीडियो 10 मिनट का है और आपको हर 2 मिनट पर ऐड लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे? अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो मैंने एरो लगा रखा है, आपको यहाँ पर डंडा सा नज़र आ रहा होगा, ये जिस पर एरो लगा हुआ है, आपको इस डंडे को अपनी उंगली से खिंचका देना है साइड में। जैसे ही आप इसे खिंचकाएंगे तो इसके साथ साथ आपको ऊपर लिखा दिखता रहेगा टाइम और मिनट के, आपने कितने मिनट की दूरी पर इसको लेके गए हैं अपनी वीडियो में। कि मान लीजिएगा आपने 5 मिनट तक अपनी वीडियो सेलेक्ट कर ली है, 10 मिनट या 6 मिनट या 4 मिनट, तो आपको जिस मिनट पर भी अपना ऐड लगाना है उस पर इस डंडा को सिलेक्ट करके छोड़ दीजिएगा और ऐसे ही मतलब खिंचका करके रख दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा प्लस का आइकन होगा और वहाँ पर लिखा मिल जाएगा ऐड ब्रेक। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐड ब्रेक पर क्लिक कर देंगे तो आपका जिस टाइम पर आपने डंडा खिंचका के रखा है जिस भी टाइम पर, उसी टाइम पर आपके वीडियो में एक ऐड हो जाएगा, एक ऐड लग जाएगा। यानी कि फिर आपको उसके बाद 2 मिनट बाद फिर से लगाना है, तो आप फिर इस डंडे को खिंचका करके उसके 2 मिनट बाद सेट करके फिर से आप ऐड ब्रेक पर क्लिक कर दें, 2 ऐड लग जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। आप दोस्तों वीडियो में देखते रहिएगा मैं किस तरह से डंडे को इसे ड्रैग करता हूँ दोनों साइड में, मतलब खींचता हूँ और ऐड ब्रेक पर क्लिक करता हूँ। देखिए इस तरह से ऐड लग जाता है। तो आप इसी तरह से दोस्तों अपने वीडियो में जितने अपनी मर्जी चाहें अपनी वीडियो के हिसाब से ऐड सेट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से अपनी इच्छानुसार वीडियो में ऐड ब्रेक या मिड रोल ऐड लगाए जाते हैं। दोस्तों यही तरीका था ऐड लगाने का, मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे से ऐड ब्रेक लगा कर एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं और आपको ऐड ब्रेक लगाने भी आ गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों यदि आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर ओके कर लेना, जिससे हमारे आने वाला हर नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।